हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने इंडिया के, अपने भारत के जो लोकगीत होते हैं ना, पूरे देश विदेशों में फेमस हो रहे हैं। ऐसा ही एक लोकगीत है जो कि उत्तराखंड अपने इंडिया का है, वहां का कुमाऊं लोकगीत है, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है और हर तरफ अपनी धूम मचा रहे हैं। इंस्टा पे रीलों की तो बाढ़ आ गई है। तो आज मैंने वही एक लोकगीत चूज किया है जो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। उस लोकगीत का स्केल है सी शार्प मेजर स्केल, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए हम उसको डी मेजर स्केल पे आज सीखेंगे। आपके पास डी मेजर स्केल की फ्लूट होगी तो उस पर आप सीख सकते हैं, या नहीं होगी तो आप किसी भी फ्लूट पर उसे सीख सकते हैं। तो आइए इसे पहले देख लेते हैं। सी शार्प का सॉन्ग है, इसे हम अलग अलग पार्ट में सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वो सीखेंगे, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। फिर उसका ये सॉन्ग है और ऐसे तीन पार्ट में हम उसके उसको सीखने वाले हैं। पहले हम लोग उसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि एक्चुअली है कैसा। ये सॉन्ग है वो, तो इसको हम सीखने वाले हैं। तो देखिए इसका म्यूजिक सुनते हैं, पहले सुनते हैं फिर उसको सीखते हैं। स्टार्टिंग म्यूजिक इसका देखिए, डी स्केल की फ्लूट है, इसको नीचे भी बजा सकते हैं, ऊपर भी बजा सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली पहाड़ी सॉन्ग भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। उसके बाद में फिर म्यूजिक है, ये उसका स्टार्टिंग का म्यूजिक है। इसको हम अब सीखना शुरू करते हैं। देखिए पध गे रे पध गे रे पध पध गे, देखिए इसको नीचे मैं सिखा रहा हूं लोअर पार्ट से। आप इसे हाई में भी बजा सकते हैं, लो में भी बजा सकते हैं। सेकंड पार्ट है पधा रे सा सा, ठीक है, तो इसको ऐसे बजाना सारे सारे करे सारे सा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं इसको नोट करवा देता हूं, इसे आप पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद में ये म्यूजिक सीखना। ये म्यूजिक सीखने के बाद में यहां से शुरू होगा सॉन्ग। अब ये सॉन्ग कैसा है, इसको हाई में बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कैसे बजेगा ये
कैसे बजाएंगे इसको? चुनरी तेरी रे रे कर सा। अब इसको सीखते हैं रे 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 कर सा। ठीक है, रे रे ग रे सा ध सा सा रे ग। फिर रे ग रे सा सा। ठीक है, अब ये चूंकि फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, जिसको आप अपने स्ट्रोक्स में अपने स्टाइल से भी इसको बजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कैची ट्यून है ये। उसके बाद में ये फिर से एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इसको भी मैं बजा के दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने हाई में बजाया, अब इसको मैं मीडियम में भी बजा के दिखाता हूं। देखिए, सारे सा ध प प ध ध, चार बार बजाना है हमको पहले, सारे सा सारे सा सारे सा, और फिर बजाना है सारे सा ध प प ध ध। तो एक साथ कैसे बजाएंगे? एक साथ जब बजाएंगे तो पांच बार बजाएंगे इसको, सारे सा सारे सा और ध प प ध ध लास्ट में। देखिए, उसके बाद में आएगा रे ग रे रे ग रे रे ग रे रे ग रे प प प ग रे सा सा सा। इसको मीडियम में बजाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इसको ऐसा नोट कीजिए, और शुरू कहां से करना है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ये म्यूजिक से भी शुरू कर सकते हैं, या यहां से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। गुलाबी शरारा, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।